नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा आर्टिकल्स में आपको फिर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले भैया का कमेंट था, इसमें उन्होंने 3 5 पिन सॉकेट का डिमांड किया था, तो 3 5 पिन सॉकेट हमने यहाँ पे दे दिया। सेम यहाँ 3 5 पिन सॉकेट हमने यहाँ भी लिया। इसके साथ उन्होंने 1 2 पिन सॉकेट का डिमांड किया था, तो 1 2 पिन सॉकेट यहाँ भी दिया हमने और सेम इसमें भी दिया, ठीक है। इसके साथ 1 स्विच का डिमांड था, तो 1 स्विच हमने यहाँ पे दिया, 1 स्विच हमने यहाँ पे दिया। तो इससे क्लियर होता है कि इनका जो सारा सॉकेट का कनेक्शन है, ठीक है, ये जो सारा कनेक्शन है, ये 1 स्विच है, इसी से ऑपरेट होने वाला है। तो उनको क्या करना है, इससे कनेक्शन, ठीक है, जिसमें इसमें हमारा फेज, ठीक है, हमारा जो फेज का वायर आएगा उसको हमको क्या करना है, फेज का वायर को हमको ले जाना है सिर्फ ये स्विच, ठीक है, स्विच के निचले टर्मिनल में, हमको ये स्विच के निचले टर्मिनल में इन कराना है फेज का वायर को। ये जिसे फेज का वायर इन करता है, अब क्या करना है, इन सभी में हमको फेज देना है, ठीक है। तो हमारा जो 5 पिन सॉकेट होता है उसमें कंडीशन क्लियर रहता है कि, ठीक है, एक जगह फेज, एक जगह लाइन, एक जगह फेज, एक जगह लाइन, ये लिखे रहता है, ठीक है। तो एक जगह हमारा न्यूट्रल, एक जगह लाइन लिखा हुआ होता है, सेम इस तरीके से, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा लाइन लिखा हुआ है वहाँ पे हमको फेज देना है। तो हमारा ये टूपिन जो होता है, टूपिन में ये चीज़ लिखे नहीं रहता, ऊपर या नीचे कहीं भी हम दे सकते, तो क्या करेंगे, हम नीचे दे देंगे। तो हमारा जो फेज आउट करेगा, एक वायर यहाँ पे आउट करेगा टूपिन में, उसके बाद हमारा जो एल जहाँ जहाँ लिखा हुआ है सब में हमारा शॉर्ट करेगा। बस इतना काम है हमारा फेज का। इसके बाद आता है हमारा न्यूट्रल, क्योंकि सॉकेट का यूज करने के लिए हमको फेज या न्यूट्रल दोनों चाहिए। तो हमारा जो न्यूट्रल का वायर आएगा, न्यूट्रल का जरूरत कहाँ पे, 1 2 3, ये तीनों जगह तो कन्फर्म है। इसके साथ हमें यहाँ भी जरूरत पड़ेगा कि यहाँ पे ये टूपिन में भी फेज और न्यूट्रल दोनों मिलेगा, तब जाके यूज होगा हमारा। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से एक लूप ले लेना है, ठीक है। अब इसे कनेक्शन हमको कहीं भी कर देना है, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, कहीं से भी हम न्यूट्रल का वायर को हम कनेक्शन कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो बोर्ड है उसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोई काम बचेगा नहीं, अगर साथ में बॉडी अर्थिन आया हुआ है, ठीक है। अगर बॉडी अर्थिन है तो बॉडी अर्थिन कनेक्शन दे देने का, ठीक है। तो वो क्या करना है, बॉडी अर्थिन यहाँ ले आना है, जो हमारा बॉडी अर्थिन आएगा बस इन तीनों टर्मिनल, ठीक है, ऊपर वाला जो हमारा 5 पिन सॉकेट का है बस इन सब में आएगा, कहीं नहीं आने वाला। तो वो क्या करते हैं, इसका कनेक्शन करने के लिए हम इस तरीके से एक लूप बना लेते हैं, ऐसा कनेक्शन करके आपको बताते हैं। तो क्या करना, देखिए फेज का आउट, ठीक है, स्विच का जो ऊपर टर्मिनल आउट किया उससे हम आप काम कर रहे हैं, फिर क्या किया, देखिए टूपिन के नीचे वाले टर्मिनल में हम फेज दे दिए सेम डायग्राम के अनुसार, और यहाँ पे हमारा एल लिखा हुआ है, ठीक है, एल यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो इन तीनों को हम शॉर्ट करा देंगे। तो क्या हुआ, हमारा जो फेज है काम था वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। फेज जब हम यहाँ स्विच में इन कराएंगे, अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये सब में आउट कर जाएगा, ये टूपिन में भी आउट करेगा, ये सारा जो हमारा 5 पिन सॉकेट है वो सब में कनेक्शन आउट देना। न्यूट्रल कनेक्शन, तो न्यूट्रल कनेक्शन कहाँ का देना है, एक यहाँ पे देना है और बाकी जहाँ एन लिखा हुआ, ठीक है, टूपिन को ऊपर टर्मिनल हम देंगे यहाँ पे, और बाकी जो होगा हमारा यहाँ पे देना है, यहाँ पे देना और यहाँ पे देना। तो क्या करते हैं, स्टेप से लूप बना के हम इसे कनेक्शन करेंगे। हमने टूपिन वाला कनेक्शन को भी टाइट नहीं किया है, क्योंकि हम वहाँ पे क्या करेंगे, न्यूट्रल का कनेक्शन वहीं से इन करा देंगे हम, ठीक है। यहाँ इसको भी टाइट नहीं किया, क्योंकि न्यूट्रल का जो वायर है हम यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं और यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, कहीं भी देंगे तो हमारा क्या होगा, न्यूट्रल समय सप्लाई करेगा, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम उसको छोड़ दिया है। तो ये हमारे न्यूट्रल का भी काम हो गया। अब हमको क्या करना है, बॉडी अर्थिन, ठीक है, बस बॉडी अर्थिन बचा। तो बॉडी अर्थिन कनेक्शन हमारा कहाँ पे जा रहा, बॉडी अर्थिन कनेक्शन यहाँ आ रहा, यहाँ आ रहा, एक यहाँ पे आ रहा, बस इन तीन जगह पे जरूरत है हमें।
हमने क्या किया, बॉडी अर्थिंग का भी कनेक्शन दे दिया है। अब हम क्या करते हैं, हमको फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग, ठीक है, ये जो कनेक्शन इसको हम ले आते हैं और साथ में हम इसको इन कराएंगे। तो हम इनकी इन करने के लिए इस तरीके से फेज ब्लैक वाला न्यूट्रल, अब ग्रीन के लिए बॉडी अर्थिंग के लिए ग्रीन का यूज करते हैं, इसका कनेक्शन करते हैं। तो फेज हमारा कहाँ इन कर रहा, फेज इन कर रहा हमारा स्विच के नीचे वाला टर्मिनल में। तो हमारा स्विच के नीचे टर्मिनल यहाँ पे हम फेज यहाँ इन करा देंगे। न्यूट्रल में यहाँ भी इन करा सकते थे, यहाँ भी इन करा सकते, यहाँ भी इन करा सकते, यहाँ भी इन करा सकते। इसको हमने टाइट इसलिए नहीं किया था कि हमको यहाँ पे न्यूट्रल इन कराना, तो हम क्या करते हैं न्यूट्रल यहाँ इन कर देते हैं। हम चेक करके भी देख लेंगे साथ में, ठीक है। पर हमको क्या करना है, बॉडी रिथिन का ही बचा हुआ, तो बॉडी रिथिन भी इन करा सकते हैं, हम कहीं भी इन कराए। हम क्या करते हैं बॉडी रिथिन यहाँ इन करा देते हैं, जो हमारा पास पड़े। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन हो गया। हम क्या करते हैं इसको कनेक्शन दे के देखते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। कनेक्शन दे दिया, अब क्या करते हैं इसका स्विच को ऑफ कर लेते हैं, एक टेस्टिंग होल्डर लेंगे, इसका हम इसे कनेक्शन करके देखते हैं। तो ये जो हमारा सही है, तो बाकी भी सब सही होना चाहिए। ये टूपिन बचा था, टूपिन को भी हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपना कनेक्शन खुद घर में कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।